नमस्कार दोस्तों, सच रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सुअर का मांस और बकरे का मांस में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसका मांस होता है। वैसे तो दोस्तों मटन खाना ज़्यादातर से लोग पसंद करते हैं, वहीं दोस्तों कई जगहों पे सुअर का मांस खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों बात करें मटन के बारे में तो दोस्तों मटन के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि हमारे मसल्स को बढ़ाने का काम करता है, यानी हमें शक्तिशाली ताकतवर बनाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें सुअर के मांस की तो दोस्तों सुअर के मांस में सेलेनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ साथ दोस्तों सुअर के मांस में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, अन्य खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। वैसे तो दोस्तों बात करें सुअर के मांस की तो दोस्तों वो भी रेड मांस के अंतर्गत आता है। वहीं मटन की भी बात करें तो वो भी रेड मांस के अंतर्गत आता है, लेकिन दोस्तों बॉडी में अत्यधिक प्रोटीन की बात करें कि कौन किसके मांस का सेवन करने से अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा मिलती है, तो ऐसे में दोस्तों अगर तुलना किया जाए सुअर और मटन में यानी बकरे के मांस में, तो ऐसे में दोस्तों सुअर का मांस काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली पाया जाता है। वहीं दोस्तों मटन भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ऐसा नहीं है कि मटन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन विटामिन नहीं पाए जाते, लेकिन दोस्तों सुअर के मांस और मटन के मांस की तुलना में अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में सुअर के मांस में प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों सुअर का मांस खाने से त्वचा संबंधित समस्या कम होती है। वहीं दोस्तों अगर मटन वगैरह का अत्यधिक सेवन करते हैं तो स्किन डिजीज जैसी समस्या देखने को मिलती है, जैसे चेहरे पर मुहासे, दाग धब्बे, अन्य तरह की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों मटन जो होता है, अगर आप शरीर को मांसपेशियों का विकास करना चाहते हैं यानी अपने शरीर को सुडल बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में मटन का सेवन कर सकते हैं, या आपके शरीर में मांसपेशियों का विकास करता है। साथ साथ दोस्तों सुअर का मांस भी अत्यधिक सेवन नहीं करिएगा, क्योंकि अत्यधिक सेवन करने से आपके शरीर में फैट की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को यह बढ़ा देगा, जिससे आपको दिल संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों सेम प्रक्रिया अगर मटन का भी अत्यधिक सेवन करते हैं तो ये भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। दोस्तों दोनों को अगर नियमित रूप से अगर लिमिट मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो लेकिन दोस्तों अगर वही बात करें कि सुअर और बकरे के मांस में हमें किसको चूज करना चाहिए, यानी इन दोनों के मांस में आपको किस मांस का सेवन के बारे में सोचें, तो ऐसे में दोस्तों हम बात करें कि अगर बकरे का मांस और सुअर के मांस में अगर हमें तुलना करते हैं तो ऐसे में हमें सुअर का मांस खाना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है, यानी बकरे के मांस से ज़्यादा शक्तिशाली सुअर का मांस होता है। तो दोस्तों अगर आपको भी अगर सुअर का मांस खाने का मौका मिले तो आप भी खा सकते हैं, इससे आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ हों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं।